शेयर बाजार में रहा मिला जुला असर। सोने के भाव में दिखी तेजी तो चांदी में गिरावट। नए साल पर तोहफों की भरमार, सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। हवाई यात्रियों की जेब पर कम पड़ेगा बोझ। फरवरी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरीज। रुपए ने लॉन्च किया न्यू ईयर कैशबैक ऑफर। नए साल 2024 के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला। यहां बीएसई का सेंसेक्स थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं एनएसई के निफ्टी की क्लोजिंग सपाट स्तर पर हुई। सेंसेक्स 32 अंक बढ़कर 72,273 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक बढ़कर 21,742 के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार की सुबह शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। बीएसई सेंसेक्स 21.87 अंक की गिरावट के साथ 72,218.39 के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी ने 3.65 अंक की मामूली गिरावट के साथ 21,727.75 के लेवल से कारोबार की शुरुआत की। इससे पहले साल 2023 के आखिरी कारोबारी यानी 29 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए थे। अब बात सराफा बाजार की, तो नए साल के पहले दिन सोने के भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई, जबकि चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 22 रुपए की तेजी के साथ 63,225 रुपए के भाव पर खुला। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 151 रुपए की गिरावट के साथ 74,279 रुपए के भाव पर खुला। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 1.5 रुपए से लेकर 4.50 रुपए तक की कटौती की है। ये नई दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1,755.50, मुंबई में 1,708.50, चेन्नई में 1,924.50 और कोलकाता में 1,869 रुपए हो गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है। उधर नए साल के पहले दिन हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर बोझ कम हो सकता है, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में कमी आने से इसके दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से घटकर 1.01 लाख रुपए प्रति किलोलीटर पर आ गए हैं। ATF की कीमत में 1 दिसंबर में भी 4.6% की कटौती की गई थी। नया साल निवेशकों के लिए एक और तोहफा लेकर आया है। इसके तहत फरवरी महीने में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरीज लॉन्च होगी। इसको लेकर तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। साल 2023-24 की अगली सीरीज 12 फरवरी से शुरू होगी। इसमें 16 फरवरी तक निवेश किया जा सकेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में बैंकों के साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL के जरिए निवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही BSE और NSE के जरिए भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की सुविधा है। इस केंद्रीय योजना के तहत निवेश किए गए धन की सिक्योरिटी की गारंटी भारत सरकार देती है और इसका संचालन RBI करता है। इस स्कीम के तहत कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदा जा सकता है। वहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अधिकतम 4 किलोग्राम तक सोना खरीदने की छूट दी गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है। हालांकि 5 साल पूरा होने के बाद भी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं रुपए ने भी नए साल पर ग्राहकों को खास गिफ्ट देते हुए स्पेशल न्यू ईयर कैशबैक ऑफर लॉन्च किया। ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी 2024 यानी आज भर के लिए ही है। ऑफर में यूजर्स न्यूनतम 7,500 रुपए खर्च करके 3,000 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। कैशबैक 30 दिनों के अंदर ग्राहकों के खाते में जमा हो जाएगा। ड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेवल, आभूषण, एयरलाइंस, होटल और डाइनिंग सहित चुनिंदा चीजों के लिए ये ऑफर लागू हैं। अन्य खबरों का रुख करें तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया को ये जिम्मेदारी सौंपी है।
हालांकि अभी वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महीने पहले 16वें वित्त आयोग का काम करने का क्षेत्र यानी टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया था। पनगड़िया ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। ये पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है।